हेलो फ्रेंड्स, स्वाद का खजाना में आप लोगों का स्वागत करते हैं। इस चैनल पर आपको इजी और टाइम सेविंग रेसिपी देखने को मिलेगी। अगर ऐसे वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज कौन सी इजी और टाइम सेविंग रेसिपी बन रही है। खड़ी मूंग की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, अभी अच्छे से भीग गई है और धो के साफ कर लिया है। अब कुकर में इसको डाल देंगे। दो गिलास पानी डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच। दो चम्मच नमक डाल देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस पर चढ़ा देंगे। 2-3 सीटी आने देंगे जिससे दाल अच्छे से गल जाए। 2-3 सीटी आ गई है, कुकर ठंडा हो गया है। अब देखते हैं दाल अच्छे से गल गई है। अब एक चमचा लेंगे, दाल को अच्छे से चला लेंगे और उसको मैश कर देंगे। जितनी पतली गाढ़ी दाल रखनी है उतना पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से खौलने देंगे। दूसरे चूल्हे पे कुकर को चढ़ा दिया है, अब पैन चढ़ा देंगे। तड़के के लिए इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के प्याज को गुलाबी होने देंगे। इसे पलटे से चला देंगे। इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। प्याज अब गुलाबी होने लगा है। 2 हरी मिर्च बीच से चीरा लगा के चलाते रहेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है, इसे इग्नोर करिएगा, कैमरे में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई थी। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर तीखा खाना हो तो। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाले जले ना, इनको अच्छे से भून लेंगे।
अब इस स्टेज पे जो दाल खौल रही है उसको डाल देंगे। इससे तड़के का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब दाल बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये खौली हुई दाल है, तड़का इसमें लग चुका है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी हेल्दी और टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। इसे चावल रोटी के साथ सर्व करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चलिए सर्व करते हैं। ऊपर से धनिया पत्ती डाल दें।